Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और नाजरीन, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हों हालात शादमान हैं हम। और जी, आपको पता चल गया होगा कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इतिहाद रमज़ान की इस मुनफरद और खसूसी ट्रांसमिशन में कल भी हमने आपको दिखाया कि फ़ख्रे आलम चमन के बॉर्डर पर, जहाँ बड़ा सेंसिटिव दो तीन दिन पहले चमन अफगान बॉर्डर पर मौजूद हैं, और वो हमारे अफवाज पाकिस्तान के साथ, हमारे जवानों के साथ शदीद मौसम में, हम इस वक्त कराची में 51 है तो हम अपने घरों में सुकड़ के बैठ जाते हैं, 41 है तो घरों में सुकड़ के बैठ जाते हैं। ये देखें कि आप वो किस किस्म की गर्मी और कितनी तपिश बर्दाश्त कर रहे हैं और बाहर जवान खड़े। लेकिन मोहब्बत की तपिश ऐसी होती है कि उसके सामने कोई तपिश नहीं रहती ना, और फिर वो वतन से मोहब्बत हो, फिर क्या गर्मी, क्या जज्बा, सियाचिन के पहाड़ हो चाहे चमन हो। चमन, सही बात है, ये चमन सलामत रहना चाहिए। हाँ जी, तो डॉक्टर साहिबान, आप लोगों को भी हम कहेंगे, नादिया आपको भी, आइए आपको दिखाते हैं अपनी फौज का जज्बा। चलते हैं फखर के पास। जी फखर, शाइस्ता नूर, एक बार फिर थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ट्रांसमिशन बड़ी जबरदस्त आ रही होगी। हम एक और जगह पर मौजूद हैं इस वक्त, सारा पीछे अफगानिस्तान का इलाका आपको नजर आ रहा होगा। ये बड़ी हमारी एक फॉरवर्ड पोस्ट है, और दूसरी तरफ जो है वो अफगानिस्तान की भी कुछ पोस्ट हैं, लेकिन बीच में बहुत सारा ऐसा इलाका है जिसके लिए एफसी वाले जो थे वो जिद कर रहे थे कि हम यहाँ पर अपने आप को एक्सपोज ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि शरारत कर सकते हैं, साइबर फायर। इसलिए मैं ज्यादा देर इस दीवार पे खड़ा नहीं हूँ, इस ऊंची जगह पे खड़ा नहीं हूँ। आप देख लेंगे, ये अच्छा जी, जी, आपको हम ये बता दें, जाहिर है ये लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा है, वहाँ हमारी DSNG वगैरह है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है टेक्निकली हम लिंक नहीं कर पा रहे, तो जैसे ही हमारा लिंक फखर से होता है हम फिर दोबारा आपको दिखाएंगे कि वहाँ फखर क्या करें। भैया हमारे सारे टेक्निकल स्टाफ है, बड़ा एक्सपर्ट है, लेकिन कभी कभी हवा का रुख इधर से उधर भी हो जाता है भाइयों, ये नॉर्मल है। तो इसको हम आगे लेके चलते हैं ट्रांसमिशन को। जैसे ही मेरी MCR में बैठी टीम मुझे बताएगी कि हम लिंक्ड हैं और हम वापस चलेंगे वहाँ। वो फनी खराबी जो है, हाँ, जो उर्दू में फनी खराबी होती है वो अंग्रेजी में फनी हो जाती है। हो गया जी, रब्ता बहाल हो गया जी। फखर, शाइस्ता नूर, एक बार फिर थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ट्रांसमिशन बड़ी जबरदस्त आ रही होगी। हम एक और जगह पर मौजूद हैं इस वक्त, सारा पीछे अफगानिस्तान का इलाका आपको नजर आ रहा होगा। ये बड़ी हमारी एक फॉरवर्ड पोस्ट है, और दूसरी तरफ जो है वो अफगानिस्तान की भी कुछ पोस्ट हैं, लेकिन बीच में बहुत सारा ऐसा इलाका है जिसके लिए एफसी वाले जो थे वो जिद कर रहे थे कि हम यहाँ पर अपने आप को एक्सपोज ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि शरारत कर सकते हैं, साइबर फायर। इसलिए मैं ज्यादा देर इस दीवार पे खड़ा नहीं हूँ, इस ऊंची जगह पे खड़ा नहीं हूँगा। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल, ये मोर्चा सामने भी मेरा एक बना हुआ है, इस तरह के बहुत से मोर्चे हैं यहाँ पर अपने आप को कवर करने के लिए। और इस वक्त मैं आपको ये चाहता हूँ लेकर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट है ये देख सकते हैं आप, ये पाकिस्तान का झंडा, हमारा ये चौकी जो है वो बनी हुई है, जवान एक मौजूद है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अवैस, भाई मोहम्मद अवैस। भाई मोहम्मद अवैस कहाँ के रहने वाले? फैसलाबाद के साथ। फैसलाबाद जिंदाबाद। किस चीज पे नजर गाड़ी हुई है? सरहद पे सर, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। शाबाश, ऐसी ड्यूटी अंजाम दें। दोस्तों ये चौकी है, इस वक्त अगर आप ये देख सकते हैं तो ये कुछ मटके रखे हुए, और हम लोग जो हैं शाइस्ता नूर, हम लोग बात कर रहे हैं मुसलसल, बात करते हैं लोड शेडिंग की। लोड शेडिंग की तकलीफ यकीनी तौर पे हो रही है, मगर ये जो पोस्ट हैं, ये जो चौकियां हैं, इन पे बिजली नहीं होती, ये मटके होते हैं, इसी में पानी होता है। अभी तो रोजे में पानी नहीं पी रहे, लेकिन जनरली इनकी यही सप्लाई होती है पानी की। ये पानी एक दफा आ जाता है, इसी पानी से जो मटके का पानी होता है, इसी टेम्परेचर पर पानी मिलता है। और यकीन जाने कि मैं गर्मी दोबारा बयान नहीं कर सकता, ये जो लू चल रही है, ये गर्म हवाएं जो चल रही है, इतनी शदीद लू चल रही है, और मतलब मेरे लिए आज का ये दिन, ये रोजा जो है काफी चैलेंजिंग है। मगर ये हमारा पूरा चौकी का जो है वो एरिया है, और बॉर्डर के ऊपर जो है बहुत नजर रखनी पड़ती है, खास तौर पे आजकल के हालात के अंदर जो खित्ते में हालात बन गए हैं उसमें हमारे एफसी को, अफवाज पाकिस्तान को बड़ी नजर रखनी पड़ती है, तैयारी रखनी पड़ती है। ये जो है एक गोडाउन है आर्टिलरी का, यहाँ पर जो है वो बारूद गोले वगैरह जो है वो स्टोर किए जाते हैं, बिल्कुल नीचे करके छुपा कर, ऊपर इसको जो है वो स्टैटिक बिजली गिरने के लिए वो भी रखा गया है। साथ में ये सोल्जर लाइन है जहाँ पर ये लोग रेस्ट करते हैं, बैठते हैं। इस वक्त मैं आपको लेकर चलता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये
मेन लाइन वहां पर थी जहां पे हम लोग खड़े थे, वहां से फिर अंदर की तरफ जो है ये हमारे मोटर वाले जो है ये पार्टी जो है ये बैठी हुई है पलटन, इनसे जरा बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक जबरदस्त। मुदस्सर, मुदस्सर क्या है ये आपके पीछे? ये हमारे साथ 3 इंच मोर्टर है। राइट, ये एक वेपन है जो हम ऑलरेडी विजुअली बेस पे सेट करते हैं, और इसकी जो कारगर रेंज है वो है 2800 मीटर। तो ये इसका कुछ डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, और साथ आप पीछे अपने देख सकते हैं इसका एमुनेशन पड़ा हुआ है। एमुनेशन हम इसके अंदर लोड करते हैं, और जितना टारगेट हम रिक्वायर्ड करते हैं और जितना हमें डिजायर्ड होता है टारगेट ही पोस्ट पर हम इसको हिट कर देते हैं। अच्छा, कितनी देर की ड्यूटी होती है आपकी एक एक? यहाँ पे जो बेसिकली हमारा जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स की, 3 घंटे बाद दूसरे लोग आ जाएंगे फिर, लेकिन मुसलसल आप इस पर बैठे रहेंगे? बिल्कुल, खासतौर पर जो हालात थोड़े से सेंसिटिव हुए जी। बिल्कुल, चलिए जबरदस्त, मुझे से जबरदस्त बड़ा हुए। पाकिस्तान की सारी आवाम आप सब भाइयों का शुक्रगुजार है, इसी तरह अपना काम करते रहेगा। रोजा नहीं लग रहा इतनी गर्मी है, मैं तो मेरा तो मुंह बिल्कुल जो है वो हो चुका है, और आप लोग तो सुबह से सहरी करके जो है वो ड्यूटी पे आए हुए हैं। बिल्कुल, रोजा तो लग रहा है लेकिन हमारा जो मुराल है वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि ये अब मुल्क की दिफा की बात है और इस धरती की दिफा की बात है। तो रोजा हो चाहे जैसी भी सख्ती हो हम बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे, और हमारा मुराल इंशाल्लाह ताला इससे ज्यादा हाई रहेगा। क्या बात है, जबरदस्त, लाजवाब लोग हैं आप लोग। ये दोस्तों स्पिरिट है शाइस्ता नूर, आप लोगों ने देखी कि ये इनकी स्पिरिट है, और दिस इज द डेडिकेशन जिसकी मैं बात आपको कर रहा था, पहले बता रहा था। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहता हूँ कि कल रात को जब मैं सहरी यहाँ पे कर रहा था, तो जो इनकी बड़ी वाली मैस है जब उसमें मैं पहले गया, तो वहाँ पर 1:30 बजे सहरी हो रही थी। तो मैंने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं ये लोग सहरी, तो इन्होंने मुझे बताया कि जनाब ये वो लोग हैं कि जिनकी ड्यूटीज, जिनकी पोजिशनिंग बहुत दूर है, इन्होंने यहाँ से बहुत ट्रैवल करके जाना है, दूर तक जाना है, और वहाँ पर अपनी पोजिशन संभालनी है। तो ये अभी से सहरी करके निकल जाएंगे, इनका 1.5-2 घंटे का रास्ता है, फिर ये डिप्लॉय होंगे, ये अपनी ड्यूटी निभाएंगे, फिर वापस आएंगे और शाम को अफ्तार करेंगे। जो दूसरी शिफ्ट है वो जाएगी, वो अफ्तार वहीं पे करेगी, उसी पोजीशन के ऊपर करेगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये टैंक मौजूद है, आइए इनसे भी बात करते हैं। सरहद की निगरानी की जा रही है, ये एफसी बलूचिस्तान का टैंक है, एफसी की डिप्लॉयमेंट है सारी की सारी, अफाज पाकिस्तान खित्ते में नजर रखी हुई है, इस इलाके में नजर रखी हुई है। और अगेन मैं जितना भी बोलूं कम है, हम लोड शेडिंग का रोना रोते हैं, हम ये सारी बातें करते हैं, यकीनी तौर पर शहर के अंदर हमारे आदतें कुछ अलग नौयत की होती हैं, मगर ये जो गर्मी और ये जो धूप है और ये जो तपिश है, इसका मुकाबला मतलब ये एक इटसेल्फ इज अ चैलेंज। तो अस्सलाम वालेकुम जवानों, ये फिर कैसे जाएंगे इस पे, ये भी एक चैलेंज है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। बड़ा यार जबरदस्त तोप रखी हुई है, इतनी बड़ी तोप रखी हुई है, चलाने का बड़ा दिल करता होगा आपका, दिल करता होगा कि मैं चलाऊं इसको? सर बात इसकी चलाने की नहीं है, हम इंसान लोग हैं, अगर कोई हमारी दर्द दिमाग की तरफ मेरी नजर से भी देखे ना, तो ये तो चलो सर फिर सबको चलाएंगे। बात है, ये आपने सुना है दोस्तों, क्या बात है, दैट्स द स्पिरिट। अमन पसंद लोग हैं, देखें फौजी भी जो है वो नहीं चाहता कि किसी किस्म का मसला हो, कोई जंग हो, सब लोग अमन चाहते हैं, पाकिस्तानी हम अमन चाहते हैं। और ये आपने हमारे फौजी भाई की बात सुनी कि इतनी बड़ी तोप है, चलाने का दिल नहीं चाहता, हम चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे मुल्क पे बुरी नजर डाले तो फिर ये तोप क्या सब कुछ चलेगा। तो नूर, शाइस्ता, तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, फौज का होना बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि ये अम की गारंटी होती है हमारे लिए। आपकी डिफेंस फोर्स, आपकी डिफेंस की स्ट्रेंथ, वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है और एक डिटरेंट क्रिएट करती है दुश्मन के लिए कि वो जरा परहेज करे अपने गलीज इरादों से। तो हम आज इत्तेहाद रमजान में इत्तेहाद क्रिएट कर रहे हैं, सबको साथ लेकर आ रहे हैं, सबको मिलाने की बात कर रहे हैं, और दुआ करते हैं कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो इकट्ठा हो, और हमारे बीच में जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो हमारे अपने मुल्क में गलत फहमियां हैं, वो दूर हों, और हम लोग एक कौम बन के, एक उम्मा बन के, एक बेहतर इंसान बन के, एक दूसरे के साथ मिलकर यूनाइटेड इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ सकें। तो अब मैं अगली अपनी लोकेशन की तरफ रवाना होने लगा हमारे क्रू के साथ। यहाँ पे हमें ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि जैसा कि उन्होंने अर्लियर भी कहा कि यहाँ पे कभी कभार ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक रिस्क होता है कोई किसी किस्म की शरारत की जाए, सो वी हैव टू पुश ऑन जहाँ पे अब हम इफ्तारी करेंगे। तो मीनवाइल इट्स बैक टू यू गाइज इन द स्टूडियो, शाइस्ता, नूर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फखरे आलम, बहुत शुक्रिया। बहुत
तालियां इतनी ज्यादा जोर से होनी चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान, ये फौजी जो आपको इस वक्त इस बॉर्डर पे चमन पर नजर आ रहे थे, इनके घरों तक पहुंचने चाहिए एक्चुअली, क्योंकि वो माएं, वो बहनें, वो बीवियां, वो बच्चे, उनका बड़ा किरदार है, बड़ा रोल है उन्हें यहाँ तक अपने प्यारों को यहाँ तक रखने में, यहाँ हौसला देने में कि आप वहाँ जाएं उस बॉर्डर, और फिर इनका इतना बड़ा रोल है कि मैं और आप अपने बच्चों अपनी फैमिली समेत बड़े आराम से सो रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है बॉर्डर पे क्या है, पता ही नहीं है। फखर का बहुत ही शुक्रिया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि आप किसी शहर कराची या मुख्तलिफ जगहों में जहाँ जहाँ टेम्परेचर है वहाँ आपको जब ट्रैफिक पुलिस के जो अहलकार मिलते हैं, पुलिस के जो लोग मिलते हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी घर के सरबराह हैं, धूपों से सब घबराते हैं, शिकवा भी करते हैं। फखर बार बार कह रहे थे इसी बात पर, और फिर मुझे ये भी याद आ रहा था कि जो मटका होता है उसके साथ का अच्छा तो पानी ही नहीं है, हम मटके से भी थोड़ा दूर हो गए। फिर वो एक बड़ी होती थी मशकीदा, उसे क्या कहते थे सर, वो एक मटके से वो मैं सुराही सुराही आएगा याद तो, लेकिन वो और वो बड़ा ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं ठंडा वो पानी, सबसे अच्छा वो कुदरती ठंडा हो जाता है। तो ये चीज़ों की कदर भी फिर साथ पैदा होती है कि जहाँ जहाँ आप जरा सफर करें, ये नहीं चाहे हम इस रबते के जरिए तो जाएं, हमारे शहरी आराम से तो बड़े दूर होते हैं। हाँ, तो कदर चीज़ों की जो है ना वो पैदा होती है। इवन ये जो जैसे आप नल कहें या टूटी कहें, अगर पानी चलता रहे और वो ज़ाया हो रहा हो तो आप कहें हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसकी कदर उस वक्त होती है जब एक घूंट चाहिए हो और एक घूंट से एक जान बच जाती है। लेकिन दूर ये भी एक बड़ी नेकी है कि जब पानी टैप आप खोलते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, तो कभी कभी लगता है हम मुंह धो रहे हैं टैप से पानी जा रहा है, फिर एकदम से ख्याल आता है कि यार वो ममालिक या वो जगह हैं जहाँ पानी की शदीद किल्लत है, मेरे इस टैप को एक मिनट के लिए बंद कर देने से क्या पता ये जो पानी बच रहा है वो किसी और के काम आ जाए। मैं कमरे से निकल रही हूँ तो बिजली अगर ऑफ कर रही हूँ तो क्या पता ये बिजली बच के किसी और निकलने से पहले निकलते हैं और सारा दिन वो जो YBG है वो करते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन हम उनके लिए उतना नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। नादिया, आपको कैसा लगा फखर को यहाँ देखकर इतनी शदीद मौसम में और फिर हमारे FC के नौजवान? बिल्कुल, मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा आई वुड से कि फखर को देखकर फखर हुआ और जवानों को देख और नौजवानों को भी देख कर फखर हुआ वहाँ पर, ख़ास तौर पर नौजवानों को देख कर। लेकिन मुझे थोड़ा सा फील यही हो रहा था कि ये हम इतना अपने अपने जो हमारी अपनी जो बॉर्डर की जो प्रोटेक्शन है और जो हमारी अपनी जो कि जी कहाँ मोर्चे और क्या और टैंक्स, तो हम पूरी दुनिया को क्यों दिखाएं? लेकिन हाँ, लेकिन यही तो इत्तेहाद है अफगानिस्तान के, हमारा ये मुसलमान सिक्योरिटी है ना, और हम हाँ, नहीं बिल्कुल सिक्योरिटी है। अब बुनियादी वो मकसद ये था कि दिफा से हम गाफिल नहीं है और हर वक्त तैयार है, तैयार बिल्कुल। लेकिन आई थिंक ये एक्चुअली चमन का जो बॉर्डर है ये है बड़ा सेंसिटिव एरिया, और डेफिनेटली वहाँ पे बहुत से अभी रिसेंटली भी काफी जैसे फखर अपने लेकिन तीनों पे खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो तिजारत का सारा ट्रक्स वगैरह सब ट्रैवल कर रहे हैं, सिलसिले हो रहे हैं जी। इत्तेहाद करने वाली है इस पूरी गुफ्तगू के अंदर, जो कि कम से कम मुझे तो बहुत ज़्यादा मुतासर की कि शदीद मौसम है और बॉर्डर है, दुश्मन सामने है, जान आपकी यहाँ पर आई हुई होती है, लेकिन इन जवानों की कमिटमेंट अपने मज़हब के साथ, इस्लाम के साथ, रोज़ों से ऐसी है कि जैसे जिक्र कर रहे थे कि 1 बजे सहरी की दूर इलाके में जाना है, लेकिन कमिटमेंट है। तो यानी इस सूरत हाल में हमारे लिए भी लायक तकलीद है ये बात कि हम शहर में ठंडे माहौल में, पुरअम माहौल में रोज़े को छोड़ने की राहें तलाश कर रहे हैं। बहुत हो, बहुत अच्छे सर, हरगिज नहीं। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये ज़ाहिर है अल्लाह मियाँ हर एक को उम्र की सआदत दे, हज की सआदत दे, लेकिन जब लोग इस शदीद गर्मी में इस वक्त वहाँ मक्का और मदीना में शदीद मौसम वहाँ भी है और लोग बहुत जोक जो है ना वो जा रहे हैं ग्रुप्स की शक्ल में जा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि रमजान के दौरान ज्यादा से ज्यादा जो है वो उम्रे की सादत जोक रांझण नु जाना नाल मेरे कोई चले। तौर से अल्लाह पाक ने इसमें खास वो भी रखा है, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक मरतबा हज फरमाया तो जब आप हज को लौटे वापसी पे तो सनान नामी एक अंसारी खातून से मुलाकात हुई तो सरकार ने उनसे पूछा कि भाई तुमने हमारे साथ हज क्यों नहीं किया। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैंने हज इसलिए नहीं किया कि हमारे पास 2 ऊँट थे,
जबकि एक ऊँट हमें सैराब करता रहा यहाँ घर पे और दूसरे ऊँट को मेरे शौहर लेके आपके साथ हज को रवाना हुए थे। सही। तो इस पर सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून से ये कहा कि जो आज हमारे लिए खुशखबरी से कम नहीं है कि तुम रमजान में जाकर के उम्रा करना, उसका सवाब मेरे साथ हज के बराबर है। ये भी एक खास ताल्लुक जुड़ा है इस रमजान के साथ में। और मैं इस बात को भी देख के खास तौर से देख रहा था हमारी फौज के जवानों में मोराल कितना हाई है, और इसके साथ साथ वो कितना मोहब्बत का भी पैगाम दे रहे हैं वहाँ खड़े हुए कि हम मुख्तलिफ नहीं हैं, हम आप में से ही हैं। अब बस सिर्फ एक अपनाइयत है जो हमने एक थोड़ी सी देर के लिए भूल गए हैं आपस में बॉर्डर्स पर आकर के, वो इंशाल्लाह वक्ती है खत्म हो जाएगी। ऐसे अल्लाह वाले भी हैं कि एक एक पैसा जोड़ के इकट्ठे करते हैं और जब वक्त आता है हाजिरी का तो किसी की जरूरत देखते हैं और वो सब पैसे उसको देते हैं दे तो उसके सदके में बाकियों की हाजिरी भी कबूल हो जाती है। अच्छा, यहाँ अगर मुझे एमसीआर इजाजत दे, मेरे पास हम्द के दो अशआर हैं, ब्रेक लेनी है। अच्छा, वो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी इस पे, ख़ास तौर पर जब हम उम्रे की बात कर रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं उस हम्द को ज़रूर पढ़ूंगी। एक ब्रेक ले रहे हैं जी। रोशनियों के शहर कराची में भी ऐसे गोशे हैं जहां उम्मीद की किरण वक्त गुजरने के साथ दम तोड़ रही है। छोटे छोटे घरों में मुसीबतों का पहाड़ है और साथ ही साथ मौत और जिंदगी की जंग जारी है। ऐसे ही कच्ची पक्की गलियों में पहुंचकर उन लोगों को तलाश करना हमारा काम है जो मजबूर तो हैं पर जिंदगी का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों में से एक नाम है जमीला बीबी। जमीला बीबी का शौहर एक तवील अरसे से कैंसर के मुजी मर्ज में मुब्तला है। मदद की ज़रूरत है, मेरे मियाँ का ऑपरेशन होना है, इलाज करवाना है मुझे। तो जब तक इलाज मेरे पास कुछ था मैं कर्ज़ा उठा के उसका इलाज करवाया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। दो घरों में काम करती हूँ तो चूल्हा मुश्किल से जलता है। शौहर की बीमारी और मासूम बच्चों की परवरिश का बोझ जमीला बीबी को दिन भर सख्त मेहनत करने पर मजबूर करता है, मगर इन तमाम सख्तियों को झेलने के बावजूद जमीला अपना काम पूरी ईमानदारी से सरंजाम देती है। क्योंकि अभी घर की जिम्मेदारियां इसकी मुंतजर हैं। एक जानिब बच्चों का ख्याल रखना है तो दूसरी जानिब बीमार शौहर की उम्मीद जिंदा रखना वो काम है जो जमीला बीबी को निढाल कर देता है। रोटी दूसरों के दर पदर खा रही हूँ मैं। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, बस मैं उसे बचाना चाहती हूँ, उसके इलाज करवाना चाहती हूँ। जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में, उसका ऑपरेशन फौरन होगा गले का, वो कुछ गुजार नहीं कर पाते। रोजा न सिर्फ हमें अपने रब के करीब करता है बल्कि दूसरों का दुख दर्द समझने का भी दर्श देता है। और इस रमजान में अगर आप और हम जमीला जैसे लोगों के दुखों पर मरहम रख सकते हैं तो यकीनन हम इस मुकद्दस महीने की बरकतें समेटने में कामयाबी हासिल करेंगे। حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں گی، کہ تم میں سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور نہ تم کسی مسلمان پر زیادتی کرو اور نہ تم کسی مسلمان کو زیادتی سہنے کے لیے اکیلا بے یار و مددگار چھوڑ دو، اور جو کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا
कोई बात नहीं। और जो कोई भी अपने मुसलमान भाई की हाजत को पूरा करेगा, अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा करेगा। और जो कोई अपने मुसलमान भाई की परेशानी मुश्किल को दूर करेगा, खुदा ताला क़यामत के दिन उसकी मुसीबतों में कमी करेगा। और जो कोई भी अपने मुसलमान भाई की पर्दादारी यानी उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा, ऐब पोशी करेगा, खुदा ताला उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। ये सोचिए और देखिए कि मैं और आप सिर्फ दूसरों के ऐब को खोलते हैं, बढ़ाते हैं, गॉसिप्स करते हैं, छुपाते नहीं हैं। खुदा खुद कहता है तुम मेरे लोगों के ऐबों पर पर्दा डालो, मैं तुम पर पर्दा डालूंगा। इसी के साथ जी, आप जानते हैं इत्तेहाद रमज़ान की ट्रांसमिशन का कल से जो आगाज़ हुआ है, आज पाकिस्तान में दूसरा रोज़ा, और मैं आज ये जज्बा खिदमत जो है वो दूसरी दफ़ा कर रही हूँ। कल हमारा पहला ये सेगमेंट था। मेरे साथ, जैसे कि अभी आपने देखा, कराची के एक स्लम इलाके में रहती हुई खातून हैं जो दूसरों के घरों में जाती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। हम उन्हें बड़े ही फजूल नामों से काटते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। बहरहाल वो हेल्प करती हैं दूसरों के घरों में। जिनके घर वो काम करती हैं वो यहाँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी ये बेटी अपनी खूबसूरत आवाज़ जो है वो बल्कि अच्छा है, हमारी आवाज़ों से बहुत प्यारी आवाज़ है शायद की। लेकिन जमीला बेगम इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, और उनके मियाँ भी यहाँ मौजूद हैं जिनको के मुँह का कैंसर हुआ। उसकी रीज़न्स तो मैं बाद में जानूंगी, मगर आपने देखा कि जमीला किस तरह लोगों की हेल्प करती है, अपने दोनों छोटे बच्चों को भी पालती है। अगर मुझे माइक मिल जाए मैं जमीला से बात करना चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम जमीला। अच्छा जमीला, मुझे ये बताएं कि आपके मियाँ की ये हालत कब से हुई और कब से वो इस काबिल नहीं रहे कि वो रोज़गार के लिए जा सके? एक साल से जी। और एक साल से आपने काम करना शुरू किया लोगों के घरों में, और आपने अपने दोनों बच्चों का ख़र्चा भी उठाया, न सिर्फ अपने मियाँ का ऑपरेशन भी कराया। जी, मैंने बहुत कर्ज उठाया इनका इलाज करवाने के लिए, तो अब कर्ज वाले भी बहुत परेशान कर रहे हैं हमें कि हमारी हालत का तो कुछ एहसास नहीं है, कि उन्होंने कहा कि हमें कर्जा चाहिए वापस। आपने कहाँ से कर्जा लिया? रिश्तेदारों से जी। और कितना कर्जा लिया था आपने? टोटल 440,000 जी। 440,000 440,000 उस ऑपरेशन के लिए आपको चाहिए था? नहीं, इनके पहले जो खर्च हुआ है उनके लिए मैंने कर्ज उठा के इनका इलाज करवाया था। सही। अब दोबारा से ऑपरेशन होगा, अब पता नहीं डॉक्टर ने। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि ये कैंसर जो है वो कौन से मरले में है? नहीं, ये तो निकाल के उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है, और ऑपरेशन जल्दी जरूरी है जी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी जरूरी है इनका ऑपरेशन। अच्छा, और उस ऑपरेशन में जमीला आप क्या समझती हैं डॉक्टर ने क्या बताया आपको, कितना और खर्चा आएगा? नहीं, खर्चा तो अंदाजा नहीं है मुझे, मैंने पूछा भी नहीं है कि जब मेरे पास था नहीं तो मैं कैसे पूछूंगा कितना खर्च होगा। ठीक है भाई। नाजरीन भाई और बहनों, स्क्रीन पर हमारा नहीं, किसी और फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट जमीला बीबी का जो अकाउंट नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। खुदा वैसे भी उस नेकी को ही कबूल करता है और पसंद करता है जो की जाए और बताई ना जाए, अनाउंस ना की जाए। तो आप प्लीज़, आप जो मदद करना चाहते हैं वो आप डायरेक्ट इनके अकाउंट में डाल सकते हैं। 440,000 पहले ऑपरेशन की फ़ी थी जो कि इन्होंने अदा इस तरह से की कि कर्ज़ा लिया, वो कर्ज़े वाले आज इन्हें थ्रेट कर रहे हैं। और जब दूसरा ऑपरेशन है तो उसको बेचारी को भी पता ही नहीं है कि कितने पैसे लगने हैं। जी, मुझे पता नहीं है कितने पैसे खर्च होंगे, इसके तो बहुत महंगा इलाज होता है, हमारी फुर्सत नहीं है इतने महंगे इलाज कराने की। जमीला, आप हर चीज़ हमें जहाँ जहाँ जो जो हमारी ज़िंदगियों में हो रही होती है ना, वो खुद शायद हमारी टीम से आपका मिलना और रमज़ान के दौरान मिलना, इसमें भी कुछ खुदा की मसलहत थी। खुदा के बहुत परवरदिगार के जो बंदे हैं, नेक बंदे, वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका इंशाल्लाह वो तवस्सुत बनेंगे। करारा अल्लाह है
मगर मैं हम और आप तवस्सुत बन जाते हैं। तो इसी तरह मेरे एमसीआर में मेरी जो टीम है वो मुझे बता रही है कि आपके अकाउंट में अब तक 1.4 लाख की डोनेशन आई है और एक हसान अजहर की तरफ से 50,000 उनकी तरफ से। सो आप अपना कर्जा तो पहले ही जाके सबसे पहले जो आपको थ्रेट कर रहे हैं आपके रिश्तेदार उन्हें अदा कीजिए और इंशाल्लाह 1 लाख रुपए की और डोनेशन आई है। आप इनका इलाज जल्द से जल्द शुरू कराएं। आप जाएं हॉस्पिटल और डॉक्टर से कहें कि मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है वो काम करेगा और आपके मियाँ का ऑपरेशन हो ताकि ये दोबारा काम पे लगें ताकि आप दोबारा अपने बच्चों को बच्चों का मुझे बहुत फिक्र है अब कितनी नौकरी में जॉब करूंगी बच्चों को छोड़ के कहाँ बच्चा छोटे बच्चे थे ना 3 महीने का बच्चा तो किसी कोई भी नहीं छोड़ता। नहीं सब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला अल्लाह असबाब बनाता है। हाँ अल्लाह पे उम्मीद और यही उम्मीद आपको यहाँ लेकर आई है बस जी। बहुत ऐसे कहना भी नहीं चाहिए बड़ा अजीब लगता है हम टीवी पे इस तरह लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इनका साथ देना चाहते हैं तो इन्हीं का अकाउंट नंबर स्क्रीन पर हमारे चल रहा है और इनकी मदद कीजिए और दुआ कीजिए इन दोनों बच्चों के लिए कि इनके बाप का साया और माँ का साया तंदुरुस्त माँ का साया इनके ऊपर रहे ताकि ये माँ घर में बैठकर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। इसी के साथ इत्तेहाद रमज़ान में मैं एक ब्रेक लेने जा रही हूँ। ब्रेक के बाद मैं आपको ले जाऊँगी टर्की। वेलकम बैक खवातीन और रात इतिहाद रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन जारी और सारी और बड़ा इलेक्ट्रिक मोमेंट इसलिए है कि हमें आपको यहाँ से इंशाल्लाह इस्तांबुल हम जाएंगे और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मज़ार वहाँ जुनेद खान मौजूद हैं और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 93 साल की उम्र में शहादत जिन्होंने हासिल की और ये वो शख्सियत हैं कि जब नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो हर कोई ख्वाहिश बनता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में क़याम करें तो फिर ये तय हुआ कि ऊँटनी कस्बा जहाँ रुकेगी तो उस घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करेंगे और वो खुश नसीब हस्ती हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आप ही की ज़ात जिन्होंने वो ज़मीन जो 2 यतीम बच्चों की थी उस ज़मीन को ख़रीदा और उसी ज़मीन पर मस्जिद नबवी की तामीर हुई और तो आप ही को मेज़बान रसूल भी कहा जी जाता इसी, है इसी इसी नस्बत के साथ जो लोग तुर्की जाते हैं और उनको अंदाज़ा है कि इसकी वो रूहानी कैफियत और हुरमत क्या होती है। जुनेद बड़े खुशबख्त हैं कि वहाँ मौजूद हैं और थैंक यू सो मच A+ और इत्तेहाद रमज़ान का हम ये देख सकें एक और आपको हम ये भी बता दें कि ये अय्यूब मॉस्क में इस वक्त जुनेद वहाँ मौजूद हैं और उसी से मुतसिल हज़रत अबू ये भी उन्हीं के नाम से मस्जिद उसी नस्बत से मज़ार है। आइए हम चलते हैं अस्सलाम वालेकुम अय्यूब मॉस्क। अस्सलाम वालेकुम नूर शाइस्ता कैसे हैं आप जुनेद सलामत रहे लकी माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल वाकई मैं अपने आप को इससे बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ। मेरी हिस्ट्री काफ़ी कमज़ोर थी लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत बहुत तजस्सुस है बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है सहाबा के बारे में डिटेल जानना क्योंकि जितना मैं जान रहा हूँ जितना मैं आहिस्ता आहिस्ता पता लगा रहा हूँ मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और अभी मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा रोज़ा मुबारक में जहाँ पे ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी मदफून है अय्यूब अंसारी मदफून है यहाँ पे मेरे साथ मेरी दोस्त हैं काया हिदायत शी इज़ हियर विद मी शी इज़ टेकिंग मी अराउंड एंड शी इज़ आल्सो गिविंग मी सम वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टूम दिस मॉस्क सो आई थिंक वी शुड गो इनसाइड एंड लेट पीपल आल्सो सी
this beautiful place. जी जुनैद अपनी दोस्त से कह रहे हैं कि वो उनकी हेल्प करेंगी क्योंकि ज़ाहिर है जुनैद वहाँ नए हैं और वो उन्हें लेके गाइड कर रही हैं, वो उन्हें लेके जाएंगी इस वक्त अयूब मॉस्क में. एंड स्पेशली ये लोग इस वक्त जा रहे हैं हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुबारक पे. जुनैद इस वक्त क्या टाइम है आपके पास? जी इस वक्त जो टाइम है ये देख सकते हैं साढ़े तीन आप देख सकते हैं. ये देखें जब भी टर्की में किसी मॉस्क में आप जाते हैं वो थैलियां आपको देते हैं और आप उसमें अपने जूते रख लेते हैं ताकि मस्जिद की बेहुर्मती ना हो कि आप जूता लेके जी अंदर जाए. तो माशाल्लाह ये एक बड़ा हम बहुत आराम से बात करेंगे और आपको मजार भी दिखाएंगे. प्लीज आइए जी मजार मुबारक का तकद्दस का ख्याल रखते हुए. जुनैद यहाँ कुछ बोल नहीं सकते. अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसादिका या सैयदी या हबीब अल्लाह. अल्लाह अकबर. ए प्लस और ए टीवी के नाजरीन और ए प्लस यूरोप के नाजरीन को हम फिर बताते चलें कि इस वक्त आप इस स्क्रीन पर विटनेस कर रहे हैं हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार मुबारक की ज़्यारत कर रहे हैं. मेज़बान रसूल कहा जाता है इन सहाबी को. रसूल अल्लाह की ऊँटनी इनके घर के सामने जाकर रुकी थी और रसूल अल्लाह ने इनके घर क़याम किया था जब मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए. और ये भी साथ साथ बता दें कि ये मज़ार मुबारक जो है सुल्तान महमूद जो उनके खलीफा थे दोयम जो थे उन्होंने ये बाकायदा तैयार करवाया था मज़ार. सर आप हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत के हवाले से फरमाइए. कबल इसके के आप करें मैं एक दो बातें शेयर करना चाहूँगा. एक तो ये है कि मतलब फ़र्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन मेरी है वो ये है कि मेरी चूँकि हाज़िरी हुई. नूर भाई एक बात मैं आपको बताऊं, बेशुमार मज़ारात पर मेरी हाज़िरी हुई है लेकिन ज़ाहिर है रोज़े रसूल पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, लेकिन इसके बाद कई मज़ारात पर हाज़िरी हुई, सहाबी से मोहब्बत भी है. लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं तकरीबन कोई असर के बाद यहाँ पर आया था और अंदर जाके जब मैं अंदर दाखिल हुआ और कारपेट पर मेरे कदमों ने छुआ एक अजीब सी रूहानियत थी, खुद ब खुद आँखों से आंसू टपकना शुरू हो गए. हालांकि मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं नहायत रैशनल हूँ, थोड़ा सा सख्त लोगों की नज़र में हूँ कि इतनी जल्दी आँखों में आंसू नहीं आते, लेकिन बर्जस्ता बिला किसी तकल्लुफ के आँखों से आंसू शुरू हो गए और अदब इस कदर था कि खामोशी और सुकून था यहाँ. जुनैद इस वक्त आप कहाँ हैं? नहीं नहीं इस वक्त वो आहाते में हैं तो इस वक्त बोल नहीं सकते. जी अभी हम बाहर निकले हैं, मज़ार से बाहर निकले हैं और अभी मैं चाहूंगा कि मस्जिद का भी हम थोड़ा सा एक व्यू देखें. हम सब अपने आप को इस वक्त बहुत खुशकिस्मत तसव्वुर करते हैं जुनैद, आपके थ्रू इसे प्लस के थ्रू और इत्तेहाद रमजान के थ्रू हमने माशाल्लाह ज़ियारत की हज़रत अबू अबू. थैंक यू सो मच ए प्लस और इत्तेहाद रमजान का. मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का और जितना मैं यहाँ पे देख रहा हूँ उतना मेरा ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है. यहाँ पे हमारी मुलाकात भी है, वी हैव टू मीट अ स्कॉलर हियर एज वेल जो यहाँ के इमाम हैं, उनसे भी मुलाकात करनी है हमने और उनसे भी बहुत सारे सवाल. आई थिंक जो मेरा जो एपिसोड आएगा उसमें वील बी गिविंग डिटेल्स अबाउट इस मॉस्क इस मज़ार के बारे में जो अफिलिएशन थी हमारे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, उस सब चीज़ पूछेंगे. आई थिंक अब हम मस्जिद का विज़िट करते हैं. Kaya, would you give us some details about the mosque, about the significance of this mosque for the entire Muslim community? So, this mosque basically significant because of Hazrat Ibn Sari's down here.
which is one of the best followers of which is the best followers of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ये बता रही हैं कि इस मस्जिद की सबसे बड़ी निस्बत हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, जो नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों में से एक नुमायां नाम एंड ही वाज द फॉलोवर ऑफ हजरत मोहम्मद एंड प्रोफेट मोहम्मद एंड बेसिकली दिस मस्जिद बिल्डेड बिकॉज़ ऑफ हजरत अय्यूब अंसारी because of his importance of Muslim community and because of Prophet Muhammad. जी नूर काय ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आई थिंक वो इन्फॉर्मेशन मैं सुन रहा था, आपने भी काफ़ी डिटेल में बताई. बहुत कुछ है यहाँ पे देखने को, बहुत कुछ है यहाँ से सीखने को. अच्छा जुनैद, मुझे ये बताएं कि आप रूहानी कैफियत क्या होती है, आपकी क्या है जाती तौर पे अगर पूछूं, क्या मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता. बहुत डिफरेंट माइंड सेट से मैं आया था यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे एंटर होके जो है एक और ही फीलिंग है यहाँ पे, एक और ही कैफियत है. और जो इंटरेस्ट लेवल है वो एक क्यूरियोसिटी बहुत डेवलप होना शुरू हो गई है जानने का इन शख्सियत के बारे में, इस मस्जिद के बारे में. आई थिंक वो टाइम मैं आज यहाँ बहुत घूम फिरूंगा, यहाँ पे वक्त गुजारूंगा. आई थिंक आई बी एबल टू गैदर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे बहुत ये ज़रूरत फील हो रही है. वो एक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग भी एक चाहिए होती है हर मुसलमान को. आई थिंक मुझे यहाँ पे आके बहुत सुकून मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा अच्छा मुझे ये बताइएगा, वहाँ अभी ज़ाहिर है अफ्तार में वक्त है, हाँ, और यहाँ अफ्तारी का किस तरह आलम होता है, क्या मज़ार पे या इस मस्जिद में स्पेशली अफ्तार का अहतमाम होता है? बिल्कुल होता है. अभी यहाँ पे अफ्तार के पास भी हम होंगे, आई थिंक वी विल बी हियर अराउंड द इफ्तार टाइम, और वी विल बी विटनेसिंग द फेस्टिविटीज विच हैपन हियर. यहाँ बहुत कुछ होता है, बहुत फेस्टिविटी होती है यहाँ पे. यहाँ पे नाते भी चल रही होती हैं और एक बहुत ही एक फेस्टिव सा एनवायरनमेंट होता है. जुनैद, हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे जुनैद कि आप हम सब के लिए, पूरे मुल्क के लिए, हर मुसलमान के लिए, हम बात करें इत्तेहाद रमज़ान की, तो दुनिया का कोई भी मुसलमान किसी भी रंग का हो, आप उसके लिए, उसकी सलामती के लिए, अम के लिए, और जो मुसलमानों के हालात आजकल हो गए हैं और जिस तरह से दुनिया हमें जो समझ रही है, इन तमाम चीज़ों के लिए प्लीज़ वहाँ मेज़बान रसूल के मज़ार पे आप वहाँ मौजूद हैं, हमारा सलाम भी वहाँ तक पहुँचाइए. पूरे पाकिस्तान का, तमाम पाकिस्तानियों का जुनैद सलाम पेश कीजिएगा. और आपसे ये कहेंगे कि जुनैद आप लाइन पर रहिएगा, यहाँ हमें ब्रेक पर जाना है और उसके बाद आपने हमें मस्जिद की सैर करवानी है. आप हमें मस्जिद में लेकर जाएंगे और हम देखना चाहेंगे कि वो मस्जिद कैसी है. जी प्लीज, बहुत शुक्रिया जी. यहीं पे एक ब्रेक ले रहे हैं जी, इत्तेहाद रमजान.